दोस्तों मैंने यहां पर मंगवा लिया है Lenovo IdeaPad 330 लैपटॉप। तो आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें क्या है बॉक्स कंटेंट और जान लेते हैं कि क्या है इसका प्राइस और कितनी मुझे मिल गई छूट Flipkart के बिग बिलियन डे सेल में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। हालांकि मैं ज्यादा उत्साहित था, ज्यादा उतावला था इसको खोलने को लेकर, तो मैंने पहले इसको खोल लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने इसको एक बार फिर अनबॉक्सिंग करूंगा, क्योंकि आपके साथ अनबॉक्सिंग खोलने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये बॉक्स में किस तरीके से लिखा है। देखो Lenovo की ब्रांडिंग है, जो नॉर्मल बॉक्स होता है वही बॉक्स है, आई थिंक मुझे कुछ दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसको ओपन करते करते चलिए मैं इसके थोड़े से स्पेक्स बता देता हूँ आपको, ताकि अगर आप लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। वैसे दोस्तों मैंने अपने ये काम के लिए लैपटॉप मंगाया है, हालांकि मेरे पास एक पहले से लैपटॉप है, लेकिन ये लैपटॉप कुछ प्रोफेशनल है, क्योंकि इसमें i5 का प्रोसेसर मिल जाता है, 8GB की रैम मिल जाती है, i5 का 8th जनरेशन वाला प्रोसेसर है, 2GB की डेडिकेटेड ग्राफिक मिल जाती है NVIDIA की। दोस्तों ये लैपटॉप 15.6 इंच की HD डिस्प्ले के साथ आता है, वजन इसका अराउंड 2.25 किलो के आसपास का है। हालांकि दोस्तों जब तक मैं ये वीडियो पब्लिश करूंगा, हो सकता है कि बिग बिलियन डे सेल खत्म हो जाए, अदरवाइज ये लैपटॉप अकॉर्डिंग टू Flipkart 56,290 का था, जो कि मुझे मिला 35,990 का, और वो भी मैंने एक रुपये भी नहीं दिया, EMI पे लिया है, बजाज EMI फाइनेंस करवा के मैंने लिया है। तो आप अगर अच्छे खासे वर्क के लिए लेना चाहते हैं, हल्की फुल्की गेमिंग करना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज वर्क के लिए लेना चाहते हैं, या असाइनमेंट के लिए लेना चाहते हैं, यूट्यूब क्रिएटर के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, या ब्लॉग वेबसाइट बनाने के पर्पज से लेना चाहते हैं, तो आप इसमें सफिशियंट कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर है 8GB की रैम और i5 8th जनरेशन का प्रोसेसर। तो आई थिंक ये वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों इस लैपटॉप के साथ नॉर्मल चार्जर मिल रहा है, ये कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, जैसे यूजर गाइड, वारंटी कार्ड, ETC, बट आई थिंक इसको शायद कोई पढ़ता नहीं होगा, बट संभाल के रखिएगा अगर आप लीजिएगा कभी तो। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें DVD राइटर नहीं है, CD राइटर, DVD राइटर नहीं है, तो ये इस लैपटॉप का ड्रॉबैक हो सकता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो इस प्राइस वैल्यू पर ये कॉन्फिगरेशन मिलना भी काफ़ी अच्छी बात है। आई थिंक चारों तरफ से लैपटॉप देखने के बाद अच्छा थोड़ा फील हो रहा है। वैसे दोस्तों ये मेरा 6वां या 7वां लैपटॉप है जो मैं यूज कर रहा हूँ, आई थिंक एक साल के अंदर अंदर मेरा एक लैपटॉप तो यूज हो ही जाता है। और लैपटॉप के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर Lenovo के कुछ स्टिकर्स लगे हुए हैं, NVIDIA ग्राफिक के स्टिकर्स लगे हुए हैं, i5 प्रोसेसर का स्टिकर्स लगे हुए हैं, IdeaPad 330 का स्टिकर्स लगा हुआ है, और इस लैपटॉप में आपको 2 USB 3.0 और एक टाइप सी पोर्ट, इसके अलावा एक कार्ड रीडर पोर्ट, इसके अलावा एक चार्जिंग स्लॉट मिलता है। चलिए ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा इस लैपटॉप को, और अच्छी बात यह है कि इस लैपटॉप के अंदर नम लॉक, कैप्स लॉक के इंडिकेटर्स दिए गए हैं, तो आई थिंक जब आप काम करोगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन में माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे जाकर दिखा देता हूँ आपको। तो ये था दोस्तों मेरे तरफ से एक छोटी सी अनबॉक्सिंग। इस लैपटॉप का डिटेल रिव्यू वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, पहले इसको ढंग से यूज करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है प्रोज, क्या है कॉन्स, क्या आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट आज के लिए ये मेरे तरफ से एक अनबॉक्सिंग थी, और हाँ थैंक्स आपके सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं था। आप सभी का प्यार ही है जो हम कुछ ना कुछ आए दिन ले लेते हैं। ओके बाय, मिलता हूं अगले वीडियो में।